साउथ, बॉलीवुड या यू कहें कि पैन इंडिया फिल्म्स, वेल आपको बता दें कि बीते कुछ समय से साउथ और बॉलीवुड फिल्म में एक मर्जर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे साउथ के स्टार्स हैं जो ऑलरेडी बॉलीवुड में अपना बेहतरीन डेब्यू कर चुके हैं, तो वहीं पे बहुत सारे बॉलीवुड के ऐसे स्टार्स हैं जो साउथ में अपना डेब्यू करके लोगों को चौंका चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बहुत सारे बॉलीवुड के ऐसे एक्टर्स हैं जो दोबारा से डेब्यू करने के लिए तैयार हैं, या बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो साउथ की या पैन इंडिया फिल्म्स में आपको नजर आने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको उन्हीं टॉप स्टार्स के बारे में बताने जा रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दिस वीडियो गाइस, दिस इज योर होस्ट साक्षी सिंह। लिस्ट में पहला नंबर है अमिताभ बच्चन का। बॉलीवुड के बिग बी बैक टू बैक फिल्मों में अपना दम दिखाते नजर आ रहे हैं। टीवी और बॉलीवुड के बाद अब रिपोर्ट्स की माने तो बिग बी जल्द ही साउथ की फिल्म में भी अपना जादू चलाने को तैयार हैं। रिपोर्टेडली एक्टर जल्द ही प्रभास के साथ फिल्म प्रोजेक्ट के में नजर आएंगे। बॉलीवुड की वन ऑफ दी हॉटेस्ट एक्ट्रेस दिशा पाटनी अब साउथ में अपना जलवा बिखेरेंगी। रिपोर्टेडली एक्ट्रेस प्रभास के साथ प्रोजेक्ट के अलावा अब सूर्या के साथ फिल्म कंगुआ में भी नजर आएंगी। बॉलीवुड की बेहतरीन एक्ट्रेस कियारा ने बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग से सबको अपना दीवाना बना रखा है। रिपोर्टेडली कियारा जल्द RRR फेम रामचरण के साथ नजर आने वाली हैं। फिल्म का नाम अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, पर इस फिल्म को RC-15 या गेम चेंजर कहा जा रहा है। पैन इंडिया ही नहीं ग्लोबली अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ने वाली एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण अब साउथ में अपना जादू चलाने को तैयार है। रिपोर्टेडली एक्ट्रेस साउथ एक्टर प्रभास के साथ प्रोजेक्ट के में नजर आएंगी। वेल, ये फिल्म रिपोर्टेडली पैन इंडिया फिल्म होगी। एक्ट्रेस जानवी कपूर जल्द JRNTR के साथ मूवी NTR 30 में नजर आने वाली हैं। महज जानवी ही नहीं बल्कि सैफ का भी नाम इस मूवी के लिए सामने आया है। आप किस बॉलीवुड सेलिब्रिटी को साउथ की फिल्म में या पैन इंडिया फिल्म में देखने के लिए बहुत एक्साइटेड है, हमें बताना ना भूलें। फॉर मोर सच कॉन्टेंट डू लाइक सब्सक्राइब एंड कॉमेंट्स टू बॉलीवुड लाइफ.com।